नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कोतवाली क्षेत्र बेनीगंज के अंतर्गत ग्राम उलझा में बगैर परमिट के हरे भरे पेड़ पर आरा चला। वन विभाग ने जुर्माना लगाया है। इसकी खबर सोशल मीडिया पर चलाने और प्रकाशित होने से बौखलाए लकड़ी ठेकेदार और तीन अन्य साथियों के साथ पत्रकार के घर पर रात को चढ़ाई कर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। इस मामले से आहत और भयभीत पत्रकार ने अब स्थानीय कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उलझा में बीते 25 मार्च शुक्रवार को लकड़ी ठेकेदार उलझा निवासी सुनील कुमार वर्मा पुत्र राजा राम और किसान श्रवण कुमार पुत्र रामविलास के द्वारा 3000 में बेचा गया बगैर परमिट नीम के हरे भरे पेड़ को काट डाला। इस पर पत्रकार राजीव रंजन त्रिपाठी ने खबर को कवर कर सोशल मीडिया और अखबार पर प्रकाशित किया था, लेकिन खबर प्रकाशित होने के पहले ही वन विभाग के द्वारा धारा 4/10 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और जुर्माना भी लगाया गया था। ऐसे में पीड़ित पत्रकार ने स्थानीय कोतवाली ने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया तो बौखलाए दबंग ने रात 8 बजे पत्रकार राजीव रंजन त्रिपाठी को अंजाम भुगतने की धमकी दी और किसी भी फर्जी मामले में जेल जाने को तैयार रहने को कहा। पीड़ित पत्रकार इस बात से काफी ज्यादा आहत और भयभीत है। अब इस संबंध में उसने प्रशासन से जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। कल जब हम अपने आवास पर शाम को लगभग 8 बजे बैठे हुए थे तो ऐसे ही अराजक तत्व तो लकड़ कट्टों के द्वारा धमकी मुझे दी गई और हमारे घर पर चढ़कर आए और अन्य तीन साथियों के साथ भी उसने ये कहा कि हरिजन एक्ट 376 या अन्य मुकदमा या धाराओं के अंतर्गत आपको फंसा दूंगा और मुझे इस बात का भय है कि यद्यपि अगर इन पर उचित कार्रवाई नहीं की गई या इनको दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो ये मुकदमा भी पंजीकृत करवा सकते हैं और वो भी फर्जी मुकदमों में फंसाने के लिए जाल बिछा सकते हैं। इसलिए मैं न्याय की शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ। मैं राजीव रंजन त्रिपाठी, पत्रकार बेनीगंज, जनपद हरदोई से हूँ। क्या मामला था? मामला ये हुआ कल दिनांक 25 मार्च 2022 को हमारे गांव उलझा में सुनील कुमार पुत्र राजाराम वर्मा ठेकेदार, लकड़ी ठेकेदार है और ये अवैध भट्टी वगैरह भी, कोयला भट्टी भी चलाता है, बगैर परमिट के वो पेड़ कटवा रहा था। हम वहाँ पर गए खबर को कवरेज करने के दौरान और उस खबर को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया और वो खबर भी आज छपी हुई है हम सभी पत्रकारों के द्वारा भी। तो वो शाम को हमारे दरवाजे पर वो और तीन अन्य साथियों के साथ आया। चूँकि हमारा उसका गांव उलझा ही पड़ता है तो उसने जान से मार देने की धमकी और आपको देख लेने और आमादा फौजदारी व गाली गलौज करता हुआ और 6 दिन के अंदर ख़त्म कर देने की उसने धमकी दी। कोई सूचना दिया है थाने वाले? जी, हमने प्रार्थना पत्र अपने स्थानीय कोतवाली बेनीगंज में दिया है और हमारे कोतवाली प्रभारी ने मुझे आश्वासन देते हुए न्यायपूर्वक कार्य करने की बात कही है। क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई और विधिक कार्रवाई चाहता हूँ कि इन पर ऐसे लकड़कट्टों पर और ऐसे मातहतों पर यद्यपि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे मजबूरन सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। बेनीगंज में इन दिनों थाना बेनीगंज पुलिस की उदासीनता के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। बीते 6 माह में क्षेत्र के कई गांवों में करीब आधा दर्जन चोरियों के मामले सामने आए, लेकिन पुलिस एक भी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। चोरी की घटनाओं का खुलासा न होने से अब ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त है। चोरी का ताजा मामला उमरारी गांव का है, जहां पर बीती रात लगभग 2 बजे चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि उमरारी गांव निवासी रानी पत्नी मुकेश अवस्थी ने थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि जब मैं और मेरी पुत्री सपना अपने घर के कमरे के अंदर सो रही थी तब मेरे घर में कोई अन्य परिजन नहीं था। इसी दौरान मौका पाकर पप्पू रैदास और पप्पू पुत्र मकरंद निवासी अनुज पुत्र हेमराज रैदास आदि लोग मेरे घर पर घुस आए और मेरी पुत्री जिस कमरे में सो रही थी
हम दोनों को डराकर तमंचा दिखाते हुए दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और मेरे कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें से सारा जेवर और 2,75,000 रुपए लेकर चले गए। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, इसका पुलिस ने वीडियो भी बनाया और अब पूरे मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए रानी के पति ने बताया कि हम सभी ने थाने में लिखित सूचना दी है। बेनीगंज प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि सूचना मिल गई है, कार्रवाई होगी। वहीं न्याय की चौखट पर कोर्ट जाने की बात सुनकर प्रार्थी मुकेश अवस्थी व पूरा परिवार स्तब्ध दुखी है। वहीं दरोगा अमित कुमार सिंह के अनुसार उन्हें मामले से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। जब ये चोरी वाली वारदात हुई रात में तो उस समय घर पे कौन कौन था? हम, हमारी बिटिया और सब लोग कहाँ गए थे? इनके पापा तो बाहर गए थे, चाचा इनके मोटर पे थे। कैसे क्या हुआ पता नहीं, हम तो सो रहे थे, बाहर से आके पीछे से आके इन्होंने हमला किया, आके मारा वारा भी आप लोगों को, कट्टा दिखाया और धमका के हमको कमरे में बंद कर दिया। कोई छेड़खानी आप लोगों के साथ हुई? छेड़खानी हुई, पकड़ के बंद कर दिया, ने धमकी दी, काला बोली हो तो तुमका पकड़ लेगी। क्या चोरी की? चोरी कर ले गए हमारे जो कुछ रहा है, सब बिल ले गए, सब जेवर ले गए, पैसा ले गए। सूचना देने थाने कब गए थे? सुबह गए थे। क्या बताया उन्होंने? रात में तो 112 नंबर आई थी, उसने लड़की को और मेरी वाइफ को वो लोगों ने गेट में बंद कर दिया था, उन्होंने उनको खोला है, फिर मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो वहाँ इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि आप 56(3) में मुकदमा डालिए। ये कह करके हमको वहाँ से भेज दिया। क्या नाम है बेटा? सपना। क्या हुआ था सपना? कुछ लोगों ने अचानक हमारे घर पे हमला किया, हम और हमारी मम्मी सो रहे थे और वो पीछे के रास्ते से आए और हमें हमारी मम्मी को दबा मतलब पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया और तमंचा रखा हमारी मम्मी के कहने लगे अगर शोर करोगी तो मारेंगे और तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, हमको बताया। और फिर सब जितना सब जेवर पैसा सब था सब लेकर निकल गए। फिर हमने 112 को फोन लगाया, फिर वो आई, उसने गेट खोला, तब हमने उसको सारी बात बताई। ये करीबन 1-1.5 बजे की बात है, रात की। और उसमें हमने कुछ लोग के चेहरे पहचाने थे, कुछ लोगों को नहीं पहचाने, जिसमें से एक थे ये बकसपड़ा के पप्पू, हमारे गांव के पप्पू, उनका लड़का मिलन, और एक थे अनुज थे हेमराज का लड़का, और बस इतने लोग थे, बाकी हमने किसी पहचान नहीं पाया। पुलिस आई? हाँ पुलिस आई, हमने उसको सारी बात बताई, उसने गेट खोला तो हम बाहर निकले, फिर उसको हमने सारी बात बताई, फिर उन्होंने सब देखा ऊपर से नीचे तक सब। तब घर में नहीं था कोई? नहीं, घर में कोई नहीं था, हमारे पापा भी बाहर थे, चाचा हमारे मोटर पे थे, हम और हमारी मम्मी सिर्फ थे। इन्होंने पहले दोपहर में हम समझती है, मेरे पिता का नाम राधा कृष्ण अवस्थी है, मैं इसी इमरारी गांव का निवासी हूँ, थाना मेरा बेनीगंज है। और वही शाम को करीब 1:30 बजे की ये वारदात है, 1:30 बजे इन लोगों ने आके घर पे हमारे हमला कर दिया, हमारी भतीजी और हमारी भाभी घर में थी, हम अपने मोटर पर थे, बड़ा भाई हमारा यहाँ था नहीं, और ये लोगों ने घुस के हमारी अलमारियों का ताला तोड़ा, हमारे भतीजी और भाभी के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको कमरे में बंद कर दिया, कहने लगे अगर ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो तुम्हारे गोली मार देंगे या तुमको उठा ले जाएंगे, इतना कह के उनको कमरे में बंद करके, इतना कुछ था, जेवर था 5-6 लाख रुपये का, 2,75,000 रुपये की नकदी थी, वह सारा लूट के ले गए लोग। कौन था? ये गांव का हेमराज का लड़का अनुज था और पप्पू थे, पप्पू का लड़का मिलन था, एक बकस पेड़े का पप्पू था, वो दाढ़ी वाला सरदार बना रहता है, ये 4 लोग थे, बाकी लोगों को पहचाना नहीं गया। क्यों चोरी किया? जब लाइट नहीं थी, जब ये लोग चोरी करने के लिए घुसे तब लाइट नहीं थी, जब 100 नंबर आई उसके बाद लाइट आई। 100 नंबर किसने बुलाया? 100 नंबर हमारी भतीजी ने बुलाया, जब उसने फ़ोन किया तब 100 नंबर आई, तब उसने घर में घुस के सब देखा, हमारे
भाभी और भतीजी दोनों लोग कमरे में बंद थे। जब जिंगला खोला, जिंगला से उन्हें चिल्लाई, तब ये लोग दरवाजा खोला, तब हमारे ये लोग बाहर निकले। थाने को लिखे सूचना दी, थाने में लिखे सूचना दी, एप्लीकेशन उन्होंने दे दिया, कहने लगे इसको ले जाओ 56 दिन में मुकदमा कर दो जाके, इतना करके हम लोगों को थाने से बाहर कर दिया। किसने? कोतवाल साहब ने। इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। क्या चाहते हो? इस पर हम चाहते हैं कि जो कार्रवाई की जाए, और जो उन्होंने गुनाह किया है उनको जेल में भेजा जाए। तो हरदोई ब्लॉक के भरावन में आस्तिक मुनि आश्रम में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी पार्टी के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आपको बता दें कि नीरज शुक्ला से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का एक ही मात्र उद्देश्य है कि किसानों के हित में काम किया जाना चाहिए, जिसे हम समय समय पर संघर्ष करते हैं। उन्होंने बताया कि आज फिर एक बार भाजपा सरकार और योगी मुख्यमंत्री बने हैं, जिससे उनको प्रतीत हो रहा है कि योगी किसानों के हित में कार्य करेंगे और कमजोर तबके के लोगों को सहारा देने का कार्य, न्याय देने का कार्य करेंगे। इस खुशी में उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मौके पर प्रदेश सचिव आशीष सिंह उर्फ ऋषु, प्रदेश उपाध्यक्ष शोभित तिवारी, प्रदेश महासचिव सुशील शुक्ला, जिला महासचिव राजकुमारी राजवंशी, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रमाकांत तिवारी, जिला अध्यक्ष विकलांग प्रकोष्ठ अशोक दीक्षित, तहसील अध्यक्ष संडीला अमरीश यादव, जिला सचिव मुन्ना, जिला सचिव रामकिशोर, स्वर्गीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र जगरूप भारती, तहसील उपाध्यक्ष के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। मैं शोभित तिवारी, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी संगठन उत्तर प्रदेश। आज पूर्व से निश्चित हमारा एक कार्यक्रम था पदयात्रा का। जी सर, आप क्या बताना चाहेंगे और किस खुशी में लड्डू और मिठाई बांट रहे हैं? मैं शोभित तिवारी, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी संगठन उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली सरकार का पुनर्गठन आज हो रहा है और उत्तर प्रदेश को समृद्ध एवं खुशहाल प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसलिए हम लोग आस्तिक बाबा के आश्रम में आकर अपने पदाधिकारियों के समेत उनका दूसरा कार्यकाल उज्जवल हो और उत्तर प्रदेश खुशहाली का जीवन जिए, ऐसी कामना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी प्रदेश सचिव नीरज शुक्ला जी। हम लोगों का कार्यक्रम भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहा था, जो पूर्व में 5 अक्टूबर को रोका गया था, फिर 25 दिसंबर को किया गया, अधिकारियों द्वारा आश्वासन देकर पुनः स्थगित करवाया गया, जिसके बाद हम लोगों ने 15 मार्च को हमने नोटिस लगाई थी, 25 मार्च की तिथि निश्चित की गई थी। चूंकि आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण समारोह है, उस पद यात्रा को स्थगित कर हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पुनः शपथ लेने के लिए की खुशी में हम अपना कार्यक्रम स्थगित कर और उनकी शपथ लेने की खुशी में हम लोग यहाँ बाबा के मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ प्रसाद वितरित करेंगे, उसके बाद जाएंगे। पुनः कार्यक्रम हमारा 11 अप्रैल को सुनिश्चित होगा, जो इसी मंदिर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आवास तक पुनः दंड प्रणाम करते हुए जाने का हमारा कार्यक्रम है, जिसको हम सफलतापूर्वक कोशिश करेंगे। अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों से हम सहयोग मांगेंगे, सभी लोग इसमें सहयोग करें और हम इस यात्रा को सफल बना सकें। मैं रेशु सिंह, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर आके आज हमारे महाराज जी, योगी बाबा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनका दोबारा शपथ ग्रहण हो रहा है, हम लोग आज खुशी में मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे और आपका भी आपकी ताजा मंदिर से मिठाई आ जाए। सर, आप कहाँ से हैं? और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।